नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं कि ये चैप्टर वाइज इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सॉल्व करके आपकी पॉलिटी जरूर मजबूत हो रही होगी। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट रहे ना, आपको लगे कि सर इसका आंसर आपने गलत दे दिया है, तो बिल्कुल आप कमेंट्स में बताइए। अगर मेरी गलती कहीं पे भी होगी, मैं आपको तुरंत वहां पे रिप्लाई करूंगा या अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं कोई भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन या आंसर गलत नहीं दूंगा, ये आप मेरे ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पिछले सेशन में आपसे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर पूछा था। 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट था, उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स थे, ठीक है। इट एनहांस्ड द पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय कॉन्फरिंग ऑन देम द पावर्स टू डिस्कस द बजट। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। 1892 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट था, उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर्स को इंक्रीज की थी और बेसिकली मेंबर्स को ये पावर दिया था कि अब आप बजट डिस्कस कर सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अंडर दिस एक्ट द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर रिकमेंडेड बाय बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अगर आप अच्छे से इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 पढ़ते हो, तो आपको वहां पे दिखेगा दोस्तों कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है, क्लियर कट वहां पे लिखा हुआ है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स द्वारा नॉमिनेट किया गया, ठीक है। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था बाय द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, बाय द म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, देन उसके बाद चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड जमींदार्स। तो यहां पे ये जो एंड वर्ड आ गया है ना, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इन दोनों ने मिलके सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे नॉमिनेशन किया था, प्रोविंशियल में नहीं किया था। प्रोविंशियल में किया था इन लोगों ने, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत। करेक्ट आंसर इज ए। काफी सारे आंसर्स आए हैं, बहुत सारे आंसर्स टेलीग्राम चैनल में भी आए हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और आप उस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां पे मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। और एक और वीडियो है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि लोकसभा के स्पीकर को कैसे रिमूव किया जाता है, और एक ट्रिक भी मैंने एक्सप्लेन की है। तो ये बड़ी ही शानदार सी ट्रिक है, इस वीडियो की लिंक शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखना। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो पहला स्टेटमेंट तो अपने आप में गलत है, क्योंकि ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां मिस्टेक कर जाते हैं। दिस एक्ट अलाउड द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन टू वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बिल्कुल सही है। पहली बार बेसिकली अगर हम यहां पे देखें तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में ये बोला गया कि भैया अब इंडियंस जो हैं वो भी कहीं ना कहीं वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बन सकते हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी बिकेम फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। काफी मिस्टेक, काफी कंफ्यूजन होती है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को लेके, क्योंकि एक से नाम दिखते हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट यहां पे गलत है, क्योंकि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय बने थे टू ज्वाइन द वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो थर्ड स्टेटमेंट दोस्तों यहां पे क्या है, टोटली फॉल्स है। करेक्ट आंसर होगा इसका सी, दैट इज ओनली टू, ठीक है। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन कैलकटा। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द डायरेक्ट इलेक्शंस इन विच एवरी पर्सन ऑफ मोर देन 21 ईयर्स ऑफ एज ग्रांटेड द वोटिंग राइट्स। तो अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी आप सेकंड स्टेटमेंट को टोटली गलत कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि 21 साल से ऊपर का हर एक व्यक्ति वोट कर सकता था, बिल्कुल ऐसा नहीं था दोस्तों। लिमिटेड वोटिंग राइट्स दिए गए थे, और जो वोटिंग राइट्स थे ना, वो भी प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के हिसाब से दिए गए थे। हर किसी को वोट करने का राइट नहीं था। पहला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर जो यहां पे क्रिएट किया गया था वो कलकत्ता में नहीं था, इट वॉज क्रिएटेड इन लंदन, ठीक है, ब्रिटेन में। सो दोनों स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट आंसर इज डी। देखो इस चैप्टर वाइज एमसीक्यूज से ना, आपको मैं पूरी की पूरी जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है, हर एक चीज आपको बड़े ही बारीकी से पढ़ना सिखा दूंगा मैं। मेरे साथ आप इन एमसीक्यूज को डेली बेसिस में बस सॉल्व करते चलिए, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी। चलिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपके सामने।
अंडर द फेडरल प्रोविजंस ऑफ 1935 एक्ट देयर वर 65 आइटम्स इन द फेडरल लिस्ट, 60 आइटम्स वर इन द प्रोविंशियल लिस्ट, 36 आइटम्स वर इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कई बार इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो फेडरल लिस्ट में 65 आइटम्स बिल्कुल नहीं थे, फेडरल लिस्ट में 60 से कम 59 आइटम्स थे, जबकि प्रोविंशियल लिस्ट में इससे भी कम थे, 54 थे, कॉन्करेंट लिस्ट में 36 थे। सो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों गलत हैं, करेक्ट आंसर इज सी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना बस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनकरेक्ट और करेक्ट में जो आप मिस्टेक करते हो ना, यहां रिपीट मत करना, विद रेस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन ऑल द 11 प्रोविंसेस, दिस एक्ट स्ट्रेंथन्ड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इट एस्टैब्लिश्ड द प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस, इट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड जॉइंट प्रोविंशियल सर्विस कमीशन फॉर टू और मोर प्रोविंसेस। तो मैंने आपको बताया था कि 1935 का जो एक्ट था इसमें प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात भी की गई थी, प्रोविंशियल जॉइंट प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात भी की गई थी, ठीक है। तो सी और डी तो बिल्कुल करेक्ट है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और ज्यादा मजबूत किया था, बिल्कुल किया था, कैसे, क्योंकि इसने क्या किया था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, ओके, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, वुमेन के लिए और लेबर्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया था। तो बी इज ऑल्सो करेक्ट, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर आपको याद होगा तो इस एक्ट में जो बाइकैमरलिज्म था वो 6 out of 11 प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस हुआ था, सारे के सारे 11 प्रोविंसेस में नहीं। सो करेक्ट आंसर इज ए, फाइन। तो ये जो 6 प्रोविंसेस थे, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूपी, बंगाल, ये थे। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज स्टॉप्ड, इट अबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। दोनों स्टेटमेंट 100% यहां पे करेक्ट है, ओके। अभी तक क्या होता था कि सिविल सर्विसेज में जो भी अपॉइंटमेंट होती थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा होती थी, अब उसको रोक दिया गया और उसी तरीके से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के ऑफिस को भी अबॉलिश कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, दैट इज बोथ 1 and 2। एनालाइज द गिवन स्टेटमेंट। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। याद है मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसने अटेम्प्ट किया था कि भाई ओपन कॉम्पिटिशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए। चलिए, दो स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। फॉलोइंग दिस एक्ट द कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस वॉज अपॉइंटेड इन 1833। देखो, मैंने आपको यह भी बताया था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये अटेम्प्ट किया गया था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अपोज किया था। और इसी वजह से दोस्तों ये जो कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस है ना, ये 1833 में अपॉइंट नहीं हुई थी, ये अपॉइंट हुई थी 1854 में अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन तो आपको पता है 1926 में बना है, तो इसका तो कहीं से भी चार्टर एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। दोनों स्टेटमेंट यहां पे गलत है, करेक्ट आंसर इज डी, फाइन। सो नीदर वन नॉर टू। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। चलिए, विद रेफरेंस टू द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड अंडर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट वॉज कैरिड ऑन अंटिल इंडिया ऑब्टेन्ड इंडिपेंडेंस। अंडर द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज क्रिएटेड टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स। आपको याद है ना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस पिट्स इंडिया एक्ट में डबल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ बेसिकली डायरेक्टर्स, ठीक है, ये डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था। तो क्या ये डबल गवर्नमेंट का सिस्टम भारत की आजादी तक चला था? याद है ये कब टूटा था? यस, इट वॉज कैरिड ऑन अंटिल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना, इसने डबल गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया था। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर आप सोचोगे कि हाँ यार आजादी तक चला होगा, गलत हो जाएगा। अंडर द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज क्रिएटेड टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स, कमर्शियल अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, देखो, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक था
बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स और कमर्शियल अफेयर्स दो ही चीजें थी, तो सी फॉर सी, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स, बाकी जो बचा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, खत्म हो गई बात। सिंपल सा तरीका याद करने का, कमर्शियल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सी फॉर सी जो बचा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, यानी कि पॉलिटिकल जो होगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ठीक है। तो दोनों आंसर, दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे गलत है, करेक्ट आंसर इज डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीआरसी इंट्रोड्यूस्ड अंडर 1919 एक्ट, 1919 के एक्ट के तहत जो डीआरसी इंट्रोड्यूस किया गया था उससे रिलेटेड आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। इट वॉज द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेवल। आपको याद है 1919 में जो डीआरसी इंट्रोड्यूस किया गया था वो सिर्फ प्रोविंशियल लेवल में था, सेंट्रल लेवल में नहीं था। सेंट्रल लेवल में 1935 में हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर इन द डोमेन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर व्हाइल द रिजर्व्ड सब्जेक्ट वर इन द डोमेन ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बिल्कुल नहीं यार, ये क्या लिखा हुआ है, कंफ्यूज किया जा रहा है आपको दोस्तों, पूरी तरीके से आपको यहां पे कंफ्यूज किया जा रहा है। मैं आपको आज समझा देता हूं। देखो, प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक था ट्रांसफर्ड, एक था रिजर्व्ड, ठीक है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो थे उन्हें एडमिनिस्टर किया जा रहा था बाय द गवर्नर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। जबकि जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे उन्हें एडमिनिस्टर, उन्हें भी गवर्नर ही कर रहे थे, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं थे टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव काउंसिल। डीआरसी यानी कि डाई यानी कि डबल, आर्च यानी कि रूल, डबल रूल ग्रीक वर्ड है। सो डबल रूल हुआ ना, एक सब्जेक्ट की तरफ आप रिस्पॉन्सिबल हो, दूसरे के लिए आप नहीं हो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर के डोमेन में या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डोमेन में। सेकेंड स्टेटमेंट टोटली फॉल्स है, करेक्ट आंसर इज डी। इज दैट क्लियर गाइज, ध्यान रखना है चीजों को, चीजों को आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझना है आपको, फाइन। तो यहां पे पूरी तरीके से एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, आसानी से आप यहां पे देख सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। गवर्नर जनरल वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय हिम इन ऑफिशियल कैपेसिटी। इट लेड डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट। मैंने बताया था कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में यह बोला गया था कि प्रोविंशियल कोर्ट्स की जो भी अपील है वो गवर्नर जनरल के पास जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, इसका मतलब आपका बी सी डी तीनों एलिमिनेट हो गए, आंसर आ गया ना, सिंपल, ठीक है। सो इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स। थर्ड स्टेटमेंट यहां पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, और पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही, करेक्ट आंसर इज ए। ओके दोस्तों, सो ये है आखिरी सवाल और इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स सेक्शन में। इनमें से कौन सा एक्ट था जिसने पहली बार प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, इज दैट क्लियर, ये आपको मुझे बताना है इन द कमेंट्स सेक्शन, फाइन। सो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी, और इस वीडियो को देख के मुझे बताएं कैसा लगा, लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आया। धन्यवाद, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी।